सब्सक्राइब कीजिए स्वैगंट चैनल को और साथ ही बजा दीजिए इस घंटी को ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेनोवो P2 और मोटो Z5S+ के बारे में जो कि अभी लॉन्च हुआ है एक दो दिन पहले। तो देखेंगे इन दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है वो आपको लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। तो मेरा नाम है मुकेश और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैगंट पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन जो हैं वो फुल मेटल यूनिबॉडी के साथ आते हैं। हालांकि जो लेनोवो P2 में है जो एंटीना बैंड्स दिए गए हैं ऊपर और नीचे वो दोनों प्लास्टिक में हैं, जबकि मोटो Z5S+ में फुल मेटल आपको बॉडी मिल जाती है बैक में भी। और उसके बाद अगर बात करते हैं डिस्प्ले की तो दोनों ही फ़ोन्स जो हैं वो 5.5 इंच की स्क्रीन के हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है। जो मोटो Z5S+ है वो IPS डिस्प्ले है, और जबकि बात करें लेनोवो P2 की तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड फुल HD स्क्रीन आपको मिल जाएगी, जिसका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी दमदार है और मज़ा आता है उसको देख के। यहाँ पर अगर बात करें तो एडवांटेज जो है डिस्प्ले के मामले में वो लेनोवो P2 के पास ज़्यादा है। दोनों ही 2.5D कर्व ग्लास के साथ आते हैं, दोनों में कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, तो डिस्प्ले में एडवांटेज आता है लेनोवो P2 को। उसके बाद बात करते हैं अगर हम प्रोसेसर की तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन का 625 दिया गया है जो कि काम करता है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑक्टाकोर CPU है, एड्रीनो 506 दिया गया है, तो परफॉर्मेंस जो है वो दोनों की सेम होने वाली है। उसके बाद अगर बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पर भी एक ह्यूज डिफरेंस है। इस बार जो है मोटो Z5S+ जो है वो लेनोवो P2 पर काफ़ी भारी पड़ता है। इस मामले में लेनोवो P2 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, अपर्चर है F2.0 का, फ्रंट में दिया गया है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, अपर्चर है F2.2, लेकिन मोटो Z5S+ में अगर बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा आपको पीछे मिल जाता है, जिसमें से एक RGB है और दूसरा जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। और यहाँ पर अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मोटो Z5S+ में मिल जाएगा, साथ ही LED फ्लैश भी दी गई है, अपर्चर है F2.0 का। देखिए अगर दोनों में कंपैरिजन करते हैं हम तो यहाँ पर लेनोवो P2 काफ़ी पीछे है कैमरे के मामले में। मोटोरोला ने काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं, उसमें प्रो मोड तो आपको दोनों में मिल जाएगा, उसके अलावा जो है वो डेप्थ मोड दिया गया है मोटो Z5S+ में। साथ के साथ जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी आपको जो है प्रो मोड और डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलेगा मोटो Z5S+ में। तो उसके बाद अगर बात करते हैं हम इसके रैम की और स्टोरेज की तो दोनों ही फ़ोन्स जो है वो 4GB रैम के साथ आते हैं, और जो इंटरनल स्टोरेज है लेनोवो P2 में आपको मिलेगी 32GB की, लेकिन आपको मोटो Z5S+ में आपको यहाँ पर 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसे आप 128GB तक बढ़ा सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में, और दोनों ही फ़ोन्स में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर मोटो Z5S+ आगे है लेनोवो P2 से, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है 7.1.1 एंड्रॉयड नोगा, जबकि लेनोवो आउट ऑफ द बॉक्स मार्शमेलो में आता है और अपडेट जो है इसका अवेलेबल है एंड्रॉयड नोगा 7.0। तो अगर अपडेट की बात करते हैं तो ओरियो अपडेट जो है वो मोटोरोला ने लगभग कंफर्म भी कर दिया है, ऐसे लीक्स हैं, और आपको ये जल्दी ही एंड्रॉयड ओरियो मिल जाएगा मोटो Z5S+ में, लेकिन लेनोवो P2 में ये कोई अभी लीक्स ही है, शायद आए शायद ना आए। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो एडवांटेज जो है वो मोटो Z5S+ के पास है। उसके बाद अगर बात करते हैं बैटरी में तो बैटरी में भी दोस्तों यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पर लेनोवो P2 जो है वो काफ़ी भारी पड़ता है मोटो Z5S+ के बारे में। जैसे कि अगर बात करते हैं जो मोटो Z5S+ है उसमें दिया गया है आपको 3000 का बैटरी, और जो लेनोवो P2 है उसमें दिया गया है आपको 5100mAh की बैटरी। दोनों ही के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, हालांकि मोटो Z5+ में 12 वाट का चार्जर है, जबकि लेनोवो P2 में आपको 24 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। और बैटरी की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हैं, पावर एफिशिएंट है, बैटरी बैकअप अच्छा होने वाला है, लेकिन 3000 की बैटरी आई थिंक आज के टाइम में सफिशिएंट नहीं है। अगर 3500 या 4000 होती तो यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार हो सकता था ये मार्केट में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है दोनों में। तो बैटरी में एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है लेनोवो P2 में। उसके बाद अगर बात करते हैं हम वैल्यू फॉर मनी की,
तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन लगभग 16,000 के आसपास हैं और दोनों ही जो फोन्स हैं वो जस्टिफाइड करते हैं अपनी प्राइस रेंज को। दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के स्वैग की, तो दोनों का अपना अपना स्वैग है। लेनोवो P2 के अंदर दिया गया 5100 mAh की बैटरी और मोटो G5S Plus में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पर मैं स्लाइटली एडवांटेज देना चाहता हूँ मोटो G5S Plus को। कारण ये है कि काफ़ी जो है इसके अंदर यूनिक फीचर्स दिए गए हैं और काफ़ी लेटेस्ट फीचर दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो लेटेस्ट है, ओरियो की अपडेट आ रही है। देखिए अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं इन दोनों फ़ोन्स को लेके, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आपको चाहिए एक बेटर कैमरा, अगर आपको चाहिए एक बेटर स्टोरेज और अगर आपको चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स, तो आप मोटो G5S Plus को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए एक बहुत ही शानदार डिस्प्ले और बहुत ही शानदार बैटरी बैकअप, तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं लेनोवो P2 को। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगता है इन दोनों में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।